मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और यार टाइम बताती हूँ आपको, सुबह के 10:30 हो चुके हैं और मैंने अपना हेयर वॉश किया है, और क्योंकि मम्मी ने कहा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे, तो तू झाड़ू पोछा सब हो चुका है, ऊपर का सारे घर हो गया है, तो मम्मी ने कहा तू अपने बाल दो, सबसे इम्पोर्टेंट काम है तेरा ये, नहीं तो फिर बाद में मुझे आलस आ जाता है गाइस। फिर और ये देखे किचन में क्या खराब आती रची जा रही है हमारे बिना। हाँ 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 बताओ बताओ गैस पे क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं रच रहे हम, गाजर हमारे यहाँ पे गाजर पाक भी कह देते हैं, गाजर का हलवा भी कह देते हैं। ये देखिए बना रही है मेरी मम्मी गाजर का हलवा, है ना मम्मी? हाँ, आप सीटी की आवाज आ गई, उसने थोड़ा क्या क्या बना रहे हो आप पे? दाल दाल बनाई और लवीना को हमने ना काम पे लगाया हुआ है, चार पांच रह गए थे और मैंने अपना वॉश कर लिया, मैंने सोचा कि फिर दो पैर में करूंगी आलस आएगा और फिर आज है ना बहुत ज्यादा काम करने का, क्योंकि कल मैंने ना शॉर्ट नहीं बनाए थे क्योंकि हम गए हुए थे सोनीपत, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो कल हम सोनीपत गए थे तो हम मैंने एक भी शॉर्ट्स नहीं बनाए, तो आज बनाऊंगी मैं शॉर्ट्स। तो मम्मी ने कहा अपना सिर विर धो के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जा, फिर बनाएंगे हम शॉर्ट्स। और इतना मम्मी कह रही है कि 12 बजे तक तो गाजर का हलवा बनेगा ही बनेगा, मतलब 12 बजे में बन जाए तो बड़ी बात है, है ना मम्मी? 12 बजे तक बनेगा गाजर का हलवा, और अभी 10:30 हो चुके हैं। पापा जी साइड में है ना, कुछ काम है तो आज पापा थोड़ी लेट जाएंगे वहाँ पे, काम करवा रहे हैं पापा। कई तरह के मिस्त्री आ रहे हैं, पानी वाले भी आ रहे हैं, पेंटर भी आ रहे हैं, कारपेंटर भी आ रहे हैं, सब आ रखे आज, एल्यूमिनियम की अलमारी वगैरह और सब कुछ सब आ रखे हैं आज, तो पापा थोड़ी लेट जाएंगे। और क्या पता पापा यहाँ रुक भी जाए, पक्का नहीं अभी पापा का, आज थोड़ा टाइम का काम रह जाएगा, तो पापा ने सोचा कि आज सब कुछ है ना फिनिश करवा देते हैं, इसलिए हो सकता है आज कि पापा छुट्टी भी कर लें, देखते हैं क्या करेंगे पापा, क्या नहीं करेंगे, तो जरूर बताएंगे अगर पापा आ रहे हैं तो। और चलिए गाइज अभी मैं ना अपने बालों को सुखा लेती हूँ और कॉम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर है ना सारे घर में बाल ही बाल हो जाएंगे। फिर ये मम्मी बेटा कहेंगे प्रिया तुमने सारे घर में बाल ही बाल कर दिए हैं। हाँ कल झाड़ू जब निकालती है ना मम्मी फिर कहती है देख प्रिया ये इतने सारे बाल है ना तेरे हैं। और मैं तो गाइस कॉम भी करती हूँ ना यहाँ बाहर करती हूँ, देखो यहाँ पे बाहर, मैं तो घर के अंदर कॉम भी नहीं करती हूँ। मम्मी मुझे करने नहीं देते गाइस, देख लो इसीलिए फिर मम्मी मुझे मम्मी भी बाहरी कॉम करती है अपने बालों को, है ना मम्मी? किसी को भी पसंद नहीं हमारे घर में ऐसे बाली बाल, ना पापा को पसंद ना किसी को भी नहीं पसंद होता अपने घर में बाली बाल हो रहा, तो हर जगह बाली बाल, इसलिए अब तो बाहर करते हैं। और तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए मम्मी बन गया गाजर का हलवा थोड़ी सी, और टाइम हो गया गाइस 1:15 है, और मैं आपको कह रही थी 12 बजे तक बनेगा लेकिन ज्यादा ही टाइम ले लिया इसने, तो अभी बनने वाला है गाजर का हलवा। और लवीना यहाँ पे आई हुई है, आज गाइस धूप ही नहीं निकली, और 2 दिन है ना इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी बिल्कुल, और आज ही नहीं निकली। हाँ क्योंकि कल अच्छी धूप थी, और ऐसे मौसम में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मम्मी ने मम्मी को भी वॉश करने थे, मम्मी ने तो कहा मैं तो कल ही वॉश कर दूंगी अपने, है नी मम्मी? और क्या फिर आज ना सूखे भी ना गए और वो भी ना होंगे,
इसीलिए काम भी तो ये जाना हो गया, ये एक बार जल हो रहा को डाल को डाल सकती है। और कल आराम से धो लियो शांति। तो बड़ी मम्मी भी कह रही थी आज निकालती मम्मी गाजर गाजर का हलवा बनाती आज मम्मी भी कल बनाती, लेकिन कल सोनी पर चले गए और आज फिर मम्मी ने काम था सूट अर्जेंट देना था मेरी मम्मी ने आज, तो मम्मी कल बनाऊंगे। आज मम्मी ने कपड़े भी धोए थे इसीलिए। हाँ सूट सिल दी थी मम्मी, तो मम्मी ने कहा कल ये जब चले जाएंगे ना शांति से बनाऊंगी आराम से। और क्या अच्छी बात है, मिलता है आपसे थोड़ी देर में। गाजर का हलवा खा लो, खा लो अभी बनानी है, लेकिन आ जाओ इतना आप आओगे ना इतना बन जाएगा। हाँ देख सारा छुट्टी मांगे, देख पति उस पे देख छुट्टी मांगे कढ़ाई ते। और क्या बन गया है ये देखो, की शैतानी देखिए जा लिया। भाव 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 जान लो गाइस, ये तो इंसान नहीं है, ये ना कुछ और ही है। देखो किस भाषा में बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ गाइस ये इंसान नहीं है, ये जानवर भी किसी एक प्रजाति से आपको कमेंट करके बता रहा कौन सी प्रजाति है वो, आपको पता लग ही गया होगा। हिंदी में वो पूछ रही उसका अभी एक का सल्यूट करा एक दूसरे को। कीर्तिका का, कृतिका का और पत्र ये देखो ये मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। मम्मी ये बेबे थक गई थी मैं तो, कितने घंटे खड़ी रही, 3 घंटे मैं गाजर पापड़ है परेशान कुर्सी पे बैठ के बना रहे थे मम्मी। हाँ बोलो ये देखो गाइस पता नहीं क्या हो गया, देखो यहाँ से ये बाल ऐसे उठ के खड़े हो गए देखो, और ऐसे पीछे सेट भी नहीं हो रहा। देख लो अभी मुझे शॉर्ट्स भी बनाने देंगे, इतने गंदे अभी सारे यहाँ पे बाल बनाने लग रही है। बहु बहु माय नेम इज निकिता, बहु बहु आप कैसे हैं? बहु बहु आप समझ गए हो किस प्रजाति से, समझ गए हो तो कमेंट करके बताओ। सबसे नीचे वाले प्रजाति से कार्तिक समझ गया, कार्तिक समझ गया, कार्तिक समझ गया, मतलब अगर आप भी नहीं समझे तो आप बेवकूफ हो। देखा निकिता देख लो और सारा पागल बना छोड़ दो। ए बुड्ढी तेरी गल ना रहना ही ना कर दी, वो डायलॉग मारी है मारोगे वो मारी है बुढ़िया मन ने भी ना रहना तेरी गेल्या। कार्तिक डायलॉग मारेगा ए बुढ़ी मन ने भी ना रहना तेरे गेल्या, ठीक है कौन कौन फिर तेरे ना रहना तेरे गेल्या बुढ़िया ने कुछ नीचे चढ़ा जा तेरे ते ठीक है कर तू ए से बेटे ने बुढ़िया ने कोई होए ना होए ना होए ना पागल है ये ऐसी कितने एन कटोरी क्या नैन कटोरी क्या नहीं क्या काली है ये कालो 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 भालो गाइस मैं सुंदर लग रही हूँ मेरा बेटा लगा सारा मैं सुतरा थे कौन सा देख वे बैठे दोनों छोटा छोटा तो सुतरा से दिखाऊंगा गाइस सुतरा मैं दिखाती हूं आपको मेरे दोनों राजकुमार हैं और है क्यों ना ये गरीब तो है देखी मेरा के चावल के चलो भाई नितेश के ड्रैगन बॉल नहीं बताया करेगा 4 बजे देखेगा बता दी कार्तिक दोनों का कार्तिक 4 बजे आइए खाई ना खाई खाई है पिट्टू ना खाई होता है गाइस ये कुछ भी नहीं खाता ये इतना गंदा है ये कुछ भी नहीं खाता है ना खाई रे दो रोटी पहले थी पर जितने माई थे तो दो रोटी अचार के लिए खा गया था वो अचार ना गाल में गिर काऊं दो अचार को छोड़ दूं नहीं कोई देखो वो अचार कौन क्यों अचार क्यों खाया तेरे से सब्जी अच्छी नहीं लगती क्या चक्कर है ये सब्जी
मैं वो अचार में फेंकूंगी। मम्मी सब्जी तो अच्छी बना रखी थी पर जब मेरा पेट भर गया था मैं कुछ नहीं कर सकता था अंदर। मम्मी तो मस्ती मारे हैं तो गाइस इनकी तो मस्ती ऐसे चलती रहेगी। अभी मैं आपको टाइम दिखा बताती हूँ क्या हो गया है। और टाइम हो गया है 1:30, 2 बजने ही वाले हैं। और मैंने व्हाट इज दिस, ये कौन सी खुफिया टॉक्स है? ये मेरी और गाइस की खुफिया टॉक्स है। आप किसी के साथ खुफिया टॉक्स? तू मेरे मोरे को जाओ हैं। ये देखिए ये है प्रियांशी एंटर। मेरी चप्पल जो है पहन लिया मैंने। हां पहन निकाल लूं अपनी चप्पल खुद पहन। हां मेरी चप्पल दे, चप्पल क्यों है तेरी चप्पल? दे कान मेरी चप्पल। ये लाइक या मेरे नाम फॉलो मी। अभी रुक जाओ मैं इसको मार देती हूँ एक बार। ये क्या आया है? ये क्या आया है? सारों का बस बन गया। इसमें क्या था? इसमें था गाजर का हलवा। गाइस आप भी खा लो गाजर का हलवा। इतना गई बेटे, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ बस आप 2 मिनट। गाइस ये दोनों लड़ रहे हैं। कार्तिक तू यहीं पे रे, यहीं पे रे। ये वाले काम कर लियो। निकिता भी मैं वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट रुक जाए। निकिता भी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन कर रही है। दिस इज़ द पोज़ पोज़ भी नहीं हमारे ना। ऑलरेडी 5 बार पिट चुकी होगी। वो पिटण का स्वाद लेना है मुझे। एक बार बस ऐसे गाल दिखाओ। ए हनी मैं मार दे इसके पर फिर या मेरे ना उसके ट्रिपल मार देगी तीन के फिर या मैंने बना देगी। मार तो दिया तू जब के कर रही वो गुस्से दिखा दिखा के। गाइस मार दे इसके पर फिर या डर चुप। ओले ले बच्चे को गुस्सा आया। ओले ले बच्चे ना मी साथी में मैं तो मार दे पर फिर ये दर्द गणा होगा। अरे रो ना मैं तो सीधा ये मारूंगी बेवकूफ है। क्या कर रहा था तू नीचे? बेवकूफ मैं चादर कैसे सेट कर रहा था। ऐसे कौन करता चादर को सेट? मैं। तू तो बेवकूफ है। अरे ना तो ये अच्छे से नहीं समझा थी। ये कौन सी चलेगी बात अच्छे से? ये देखो गाइस उसकी पागल पंतिया देखो कुछ भी करता रहता है। इसे चैन नहीं पड़ता जब तक चादर सही से ठीक नहीं होती है। वो माउस वही छोड़ दिया लैपटॉप का। ये प्रियची का रिमोट कंट्रोल था मुझे ऐसा याद है। हे रख उसे मैं बता रही हूँ वो टूट गया ना मैं तुमसे बहुत मारूंगी थप्पड़ से कहना। हैं
हाथ लगा के दिखाओ तू और तेरा माउस है। नितेश तू हर बार पागलपंतिया क्यों करता है? इससे ऐसे कहा है कि आ जाए हाथ लगा हाथ रही से टांग में ला तुम किस लगाते हैं। आओ तम आओ एक पे क्रैश लैंडिंग चले पीछे तो कैसे देख लो ऐसे ये पागल पत्तियां करता रहता है। आठ बज गए नितेश तने मैं कुछ भी काम ना करन दिया ना इतनी शॉर्ट अपलोड कर ली मैंने। इसी से पता चलता है आखिर मैं आलसी आलसी के तू है टाइम को महत्व ना देने वाले। अच्छा और पागल इंसान तू है आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? कुछ है तेरा के है आपको इस दुनिया में जीने का क्या मकसद तेरा के है अपना बता के मकसद है खाना खान के सिवा दूसरा एक हर बार खाने। मेरा मकसद खूब पढ़ाई करना। अच्छा झूठा वैसे झूठा नहीं देखा हो तो हमारे घर में देख लो सबसे बड़ा झूठा दुनिया का हमारे घर में बैठा हुआ है। देख मैंने इतने टाइम से टीवी ना देखा टीवी का वो चल पड़ा स्क्रीन सेवर तो इसलिए मुझे टीवी देखने दे शांति से। मना के तेरा हाथ पाप पकड़ रखे देख लिया मैंने तेरी आंख बंद कर रखी है इससे तो वर्ल्ड अफेयर दिखा तो कैसे बेवकूफ इस माउस को रख के आ जा इससे पहले मैं तुझे मारूं देख लो कैसे मानेगा तू मानेगा ही नहीं बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। मैं कुछ और शब्द कहना नहीं चाहती तुझे तू कह नहीं सकती मैं कह सकती हूँ। तो गाइस छोड़ो इसे क्या देख रहे हो अब हमारे तो ऐसे ही चलता रहेगा तो चलिए